हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल सॉल्टेड पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना हम शुरू करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए आप कच्चे आम ले लें, जितना क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं। ये 4 आम ले लिया है, ऐसा आम लें जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पल्प निकले, और जैसे कि कलमी आम ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, नहीं तो आपको जो भी आम मिल जाए वो आम ले लें। इसे एक बाउल में डाल दिया है और इसे इतना पानी ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से डिप हो जाए, और इसे 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे ढककर पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। इसे पकाना बहुत ज़रूरी है। लगभग 5 मिनट बाद इसे चेक करके देखा ये पके या नहीं, ये अच्छे से बॉइल हो रहे हैं। स्पून की हेल्प से ऐसा पुश किया, ये दब नहीं रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा और पकाना होगा। इसे ढककर लगभग 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाया। थोड़ी देर बाद इसे फिर चेक करते हैं, इसने पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। हाथ की हेल्प से ऐसे पुश किया, ये दबने लगे हैं, तो ये हमारे आम अच्छे से पककर रेडी हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, ये जब ठंडे हो जाएं तब इसे हम निकाल लें, किसी भी प्लेट में निकाल लें। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। ठंडा करने के बाद इनका छिलका पूरा निकाल कर अलग कर दें, और इसमें जो भी पल्प निकलेगा इसे हाथ की हेल्प से अच्छे से निकाल लेंगे। सभी आम के छिलके पूरे निकाल लेते हैं, ये अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं इसलिए छिलका आसानी से निकल जा रहा है, छिलके में एक भी पल्प नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं। ये समर सीजन में वैसे तो आम हर जगह मिलते हैं, तो आप इसे कभी भी बनाकर खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सभी आम के छिलके निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और इसे पाम की हेल्प से ऐसा प्रेस करते हुए फिंगर्स से इसका पूरा पल्प निकाल लें। सभी आम का पल्प निकाल लें। फ्रेंड्स, पना खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है, लेकिन समर सीजन में ये हमें लू लगने से बचाता है। आप डेली पर्पस में आप समर सीजन में इसका यूज़ कर सकते हैं। आप आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड कर लें आवश्यकता अनुसार। यदि ये थोड़ा सा खट्टा है तो आप ज़्यादा अमाउंट में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लें। कलमी आम का यदि आप पना बनाएंगे तो वो ज़्यादा खट्टा नहीं रहता है, लेकिन ये आपको कलमी आम नहीं मिल रहा तो आप कोई भी कच्चे आम से आप बना सकते हैं पना। इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है, और ये 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर उसे ऐड कर दें, और नमक इसमें स्वाद अनुसार ऐड कर दें आप, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो भी मैं किचन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया है, एक बार उसमें जाकर जरूर देखें। यदि आप हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च बारीक काट कर इसमें ऐड कर दें, और हरी धनिया, प्याज को भी इसमें बारीक काट कर ऐड कर दें यदि आप खाते हैं तो। इस तरीके से आप पना बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें, और आप अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। आप और मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंडियन रेसिपीज विद सीमा को, ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।